हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल नोट्स दुनिया हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के अंतरिम बजट में घोषित उस महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है जिसके तहत किसानों के खातों में 6,000 रुपए को 2,000 रुपए की 3 किश्तों में सीधे खातों में स्थानांतरित करने का प्रावधान किया गया है। आंसर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस स्कीम के तहत सरकार 2 हेक्टेयर तक की खेतीहर जमीन वाले 12 करोड़ किसान परिवारों को 6,000 रुपए हर साल देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 के अंतरिम बजट में कितनी आय को आयकर मुक्त करने की घोषणा की गई है? आंसर है 5 लाख रुपए। अभी तक 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2019 में घोषित उस भारी भरकम पेंशन योजना का क्या नाम है जिसके तहत असंगठित क्षेत्र के लगभग 10 करोड़ श्रमिकों को 55 से 200 रुपए मासिक के प्रीमियम पर 3,000 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान करने की घोषणा की गई? आंसर है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन। इसमें व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस स्कीम में आवेदन करने वाले व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए। सरकार ने इस पेंशन स्कीम को असंगठित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 फरवरी 2019 को भारत के कौन से नए दूरसंचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण फ्रेंच गुआना से किया गया है? आंसर है GSAT-31। यह उपग्रह एक शक्तिशाली KU बैंड आधारित दूरसंचार उपग्रह है तथा यह अब से कुछ समय में निष्क्रिय होने वाले उपग्रहों का स्थान लेगा। यह भारत का कुल 40वां दूरसंचार उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना को अमेरिका के किस प्रसिद्ध सैन्य हेलीकॉप्टर की पहली खेप की आपूर्ति की गई है? आंसर है चिनकू। अमेरिका के प्रसिद्ध भारी भरकम चिनकू सैन्य हेलीकॉप्टर की 4 हेलीकॉप्टरों की पहली खेप भारत को गुजरात स्थित मुंद्रा बंदरगाह पर प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कैंसर डे यानी विश्व कैंसर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आंसर है 4 फरवरी। साल 2019 से 2021 तक 3 साल के लिए विश्व कैंसर दिवस का विषय रखा गया है। यह विषय मैं हूं और मैं रहूंगा यानी I am and I will है। इस थीम के अनुसार इन 3 सालों में कार्यक्रम होंगे। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य कैंसर के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और रोग का जल्दी पता लगाने की जरूरत तथा कैंसर के उपचार पर ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 फरवरी 2019 को हुई द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी करते हुए इसे 6.25% कर दिया। इससे पूर्व रेपो दर में कमी कब की गई थी? आंसर है अगस्त 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UAE तथा सऊदी अरब ने संयुक्त डिजिटल करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम क्या है? आंसर है अबेर। इस संयुक्त डिजिटल मुद्रा का उपयोग दोनों देशों के मध्य ब्लॉकचेन तथा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के बीच वित्तीय भुगतान के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 200 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? आंसर है मिताली राज। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अब तक 263 अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेले हैं।
इनमें से 200 मैचों में मिताली राज ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2019 जीता? आंसर है कतर। कतर ने फुटबॉल प्रतियोगिता एएफसी एशियाई कप में 4 बार की एएफसी एशियन कप विजेता जापान को 3-1 से हराकर इतिहास रचा। यह कतर का पहला एएफसी एशियन कप खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं? आंसर है ऋषि कुमार शुक्ला। ऋषि कुमार शुक्ला की नियुक्ति आलोक कुमार वर्मा के स्थान पर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता देश बना है? आंसर है भारत। एलपीजी की मांग बढ़ने से चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा बड़ा उपभोक्ता बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? आंसर है विदर्भ ने। पिछले वर्ष की विजेता टीम विदर्भ ने इस बार भी रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। रणजी ट्रॉफी के फाइनल में विदर्भ ने सौराष्ट्र को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? आंसर है सुशील चंद्रा। चुनाव आयुक्त का एक पद दिसंबर 2018 में तत्कालीन चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को ओपी रावत की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए जाने के बाद रिक्त चल रहा था। आयोग के एक अन्य चुनाव आयुक्त अशोक लवासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय वायुसेना यानी IAF के इतिहास की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी? आंसर है हीना जायसवाल। फ्लाइट लेफ्टिनेंट हीना जायसवाल ने येलाहांका यानी बेंगलुरु वायुसेना स्टेशन में कोर्स पूरा करने के बाद पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाप्टा फिल्म अवार्ड 2019 दिए गए, जिनमें किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? आंसर है रोमा। अल्फोंसो क्यूरो डायरेक्टेड रोमा ने बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर सहित कुल 4 खिताब अपने नाम किए। योर्गोस लेथिमोस की डार्क पीरियड कॉमेडी फिल्म द फेवरेट ने सबसे ज्यादा 7 खिताब जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की राजधानी ने हिंदी को अपनी अदालतों में 3री आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की राजधानी अब अबू धाबी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए हिंदी को अपनी अदालतों में 3री आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल कर लिया है। अबू धाबी के न्यायालयों में हिंदी को अरबी और अंग्रेजी के अलावा 3री आधिकारिक भाषा की मान्यता मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी IP सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर है 36वां। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 8 स्थानों की छलांग के साथ 36वें पायदान पर पहुंच गया। इस सूचकांक में इस साल 50 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय इतिहासकार हाल ही में इज़राइल के डैन डेविड पुरस्कार हेतु चयनित किए गए हैं? आंसर है संजय सुब्रमण्यम। चयनकर्ताओं का मानना है कि संजय सुब्रमण्यम के अपने काम से इतिहास के क्षेत्र में विश्व में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए डैन डेविड पुरस्कार के लिए उनका चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 ईरानी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? आंसर है विदर्भ ने।
विदर्भ ने ईरानी कप का खिताब लगातार दूसरी बार अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 61वें ग्रैमी पुरस्कार 2019 में बेस्ट रैप एल्बम का अवार्ड किसे दिया गया? आंसर है कार्डी बी। रैपर कार्डी बी ने ग्रैमी अवार्ड 2019 में बेस्ट रैप एल्बम का अवार्ड जीतने वाली पहली सोलो महिला कलाकार बनकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 61वें ग्रैमी पुरस्कार 2019 में एल्बम ऑफ द ईयर खिताब से सम्मानित किसे किया गया है? आंसर है गोल्डन ओवर। अमेरिकन सिंगर केसी म्यूग्रेव ने एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड के साथ ही कुल 4 ग्रैमी अपने नाम किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड में आयोजित इजी एटी कप 2019 में हाल ही में किस भारतीय भारोत्तोलक ने स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है मीराबाई चानू। विश्व चैंपियन भारतीय महिला वेट लिफ्टर सेखोम मीराबाई चानू ने कमर की चोट के बाद जोरदार वापसी करते हुए थाईलैंड में इजी एटी कप में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद समर्थित एक बड़े फिदायीन हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए। पूरे देश को झकझोर देने वाली यह घटना कश्मीर घाटी की किस स्थान पर घटी? आंसर है लेथपोरा। जम्मू और कश्मीर राज्य के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के पास स्थित लेथपोरा में घटी इस घटना में सीआरपीएफ जवानों से लदी एक बस से विस्फोटकों से लदी जीप को टकराकर यह फिदायीन हमला अंजाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू व कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के एक दिन बाद भारतीय सरकार ने पाकिस्तान को दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN का दर्जा वापस लेने की घोषणा कर दी। तरजीह व्यापारी से संबंधित यह दर्जा पाकिस्तान को किस वर्ष दिया गया था? आंसर है 1996 में। यह दर्जा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी देश को तरजीही दर्जा देने के लिए दिया जाता है, जिससे उस देश से होने वाले व्यापार पर कम से कम बंदिशें रह जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड न्यूज़ सब्सक्राइब कीजिए।